अत्युत्तम आहार या सुपर डाइट डायबिटिक अल्सर हो इत्यादि के लिए अत्युत्तम आहार सुपर डाइट। अभी ये सुपर डाइट में क्या नहीं खाना है वेरी क्लियर रखना है। नहीं तो हमारा जो सप्लीमेंट का ट्रीटमेंट हो या मेडिसिन का ट्रीटमेंट जो भी बोले बोलिए उसका उतना इम्पैक्ट एंड उतना ये नहीं आ सकता है। इम्पैक्ट आएगा लेकिन हमको चाहिए 100% उस बीमारी से मुक्त आना है, एंटायर बॉडी रिजुविनेशन होना है। यही हमारा जो है आयुर्वेद का पावर है, क्योंकि ये आयुर्वेद में स्वच्छ है आहारी परमाउषध और आहारी शरीर। सो इसलिए आहार को बढ़िया से क्या खाना नहीं खाना इंपॉर्टेंट है। एक है 5 ग्राम का ज्यादा नमक नहीं खाना है, दूसरा 1 लीटर का ज्यादा बॉडी में एडिमा मतलब फूल गए तो या लंग्स में या हार्ट एरिया में या पेट में पानी शेखरण हुआ तो 1 लीटर का ज़्यादा पानी नहीं पीना है, वो खाने का साथ में मिला करके। और सारे तेल और घी हो या मक्खन नहीं खाना है तड़का छोड़ करके। और सभी मिल्क और मिल्क का प्रोडक्ट्स मतलब आइसक्रीम वगैरह नहीं खाना है, लेकिन दही खा सकता है। और सभी बेकरी प्रोडक्ट्स केक हो बिस्किट हो कुकीज हो उसको नहीं खाना है, इवन इंक्लूडिंग बिस्किट्स, क्योंकि ये जो हमारा साइंस बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है वो भी कैपिलरीज एंड माइक्रो कैपिलरीज में, जो भी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है उसको ऑर्गन को रिजुविनेशन करने के लिए। और अल्कोहल सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सारे चीज़ नहीं लेना है। और जूसेस उसमें फ्रेश जूस ले सकता है वो भी एडिमा रहे तो सोच करके, लेकिन जो पैकेट जूस नहीं लेना है वो सब उसमें शुगर ही ज़्यादा रहता है। क्या खाना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है कि प्रीबायोटिक्स सुबह 1 बार खाली पेट में हमारा जो भी सप्लीमेंट हो या दवा हो लेने के बाद में तुरंत इसको लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीबायोटिक्स क्या है, हमारा पेट का अंदर जो उपयुक्त जीवाणु है उस जीवाणु का खुराक है, उसको मालूम है क्या एंजाइम्स को उत्पत्ति करना है, वो कैटलिस्ट के रूप में काम करके कौन सा न्यूट्रिएंट्स किस हार्मोन्स को चाहे उसको सेपरेट करके वो सप्लाई करता है, उसी के लिए वो है बेनिफिशियल माइक्रोब्स। और उसका खुराक अपना घर में ही है, क्या है, लहसुन 2 से 3 कली, अदरक 1/2 सेंटीमीटर स्लाइस और मेथी 1/2 सेंटीमीटर, मेथी 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून भींगा हुआ है, उसको सप्लीमेंट लेने के बाद में चबाना है। और उसके बाद में केला का डंटा का रस मिले तो 2 बार लेना है, 50 ml हो 60 ml हो जो भी हो, ये बहुत ही फायदा करता है स्पेशली ब्लॉकेजेस वगैरह साफ करने के लिए। और 2 बार अलसी मट्टा लेना है, ये अलसी मट्टा बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले 1 बार लेना है नाश्ता का समय पर एज ए फर्स्ट कोर्स, सेकेंड टाइम लेना है शाम स्नैक्स का टाइम। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, अलसी मट्टा कैसे बनाना है, क्या महत्वपूर्ण है, ये इम्पॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण क्या है, इसको लिए तो कभी भी जिंदगी में कैंसर नहीं आएगा, स्ट्रोक नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं होगी। ये डॉक्टर जोहाना बटविक जर्मन लेडी इसका डेवलप किया गया है।
40 से 50 साल रिसर्च करके कैंसर पेशेंट्स के लिए। ये हमारा लड़का को जब ब्लड कैंसर हुआ था उस समय पर हम लोग वो ट्राई करके सक्सेस हुआ था। और जो आदमी जो है इसको लिए तो शरीर ऐसा होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। भूख नहीं लगे तो ब्रेकफास्ट के समय पर बाद में सिर्फ फल खाना है, उसका बाद में भूख नहीं लगाए तो कुछ भी नहीं खाना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अभी कैसे बनाना है? एक है फर्स्ट फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको फ्राई नहीं करना, बीज को पाउडर बना करके नहीं रखना है। वो जो छोटा जार या कॉफी पाउडर बनाने के बाद में उसी जार में एक टेबलस्पून अलसी तेल डालना है, वो कोल्ड प्रेस्ड अलसी तेल, और उसी में एक कटोरी दही डालना है, उसको ब्लेंड करना है, चर्न करना है। उसका बाद में तेल का नज़र नहीं आना है, उतना तक करना है। उसके बाद में उसमें ये डालना है पानी, कंसिस्टेंसी देकर के उसी को मट्टा बनाना है, बस इतना ही। और इसका 100 किलो मूंगफली में कितना ओमेगा 3 ओमेगा 6 लिगनेंस से उतना इसमें है। मैं ऑलरेडी बोल दिया कैसा महत्वपूर्ण है लिगनेंस का, ओमेगा 3 ओमेगा 6 का, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा, जो भी पेशेंट को बनाने के अब दिए तो खुद पी करके अच्छा रहे तो देन उसको देना है, नहीं तो नहीं देना है। दो बार कच्चा सब्जी का रस पीना है, सुबह दोपहर में खाने का पहले एक बार, रात में डिनर का पहले एक बार। ये कच्चा का सब्जी का रस कोलेस्ट्रॉल टैबलेट्स हो या ब्लड थिनर हो इसको रिप्लेस कर देता है। और दूसरा, ये पूरा स्किन को ग्लो करता है एंड सारे ऑर्गन्स को नरिश करता है। अभी क्वेश्चन, इसको कैसे बनाना है? फर्स्ट जो है लीचिंग करना सब्जी को। लीचिंग कैसे करना? सारे सब्जी को जो मैं बोलेंगे इसके बाद में पानी में डुबा देना रात में, सुबह उसको उबाला हुआ पानी में साफ करके निकाल करके उपयोग करना है। क्या क्या सब्जी चाहिए? वेल डिफाइंड, इसको हम लोगों B3C4 बोलता है। B3 का मतलब बीटरूट, बॉटल गॉर्ड मतलब कद्दू, बीटलोवाइन पान का पत्ता, एक पान का पत्ता एक दो, सारे अन्य सब्जी इक्वल क्वांटिटी 200 ml के लिए 250 ग्राम B3 हो गया। C4 कैरेट, कैबेज, कुकुम्बर मतलब कीरा, और कोरिएंडरम मतलब अराधनिया, और कुछ ना कुछ पल, एक पल मिक्सर में हो या जूसर में हो उसको जूस निकाल देना दो बार, दोपहर में बिफोर लंच एक बार, रात में बिफोर डिनर एक बार लेना। उसके बाद में खाने का तरीका क्या होना चाहिए, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। कुल खाना में 25-40% का ज़्यादा चावल और रोटी नहीं खाना है। पर्टिकुलरली डायबिटीज जो रहता है उन लोगों 25% का ज़्यादा नहीं लेना है। और दूसरा पॉइंट क्या है, चावल को उबाल करके उसका पानी को निकाल देना है। और दूसरा, रिमेनिंग 60-70% क्या खाना है, साग सब्जी, और उसमें 5-10% पल्सेस, और उसमें सारे चीज़ मसाला मतलब हरा मिर्च अराधनिया सब कुछ ये लगा सकता है। एंड और उसको तड़का करके लेना है, फ्राई नहीं करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक सुपर सीरियल फूड ऐसा में रेसिपी दिया गया है, उसको हम लोगों हिंदी में हम कह सकता हूँ खिचड़ी। वो खिचड़ी में क्या है, 20-25% गेहूँ, और 20-25% गेहूँ या
चावल 5 से 10% कोई जो भी हो पल्सेस मतलब दाल जो भी दाल हो और उसी में सारे वेजिटेबल्स और जो मसाला चाहिए उसमें आधा चम्मच घी करी पत्ता सब लगा करके पानी डाल करके मसाला एक पिंच पाउडर लगा करके डाल करके उबाल देना कुकर में और उसके बाद में आप निकाले तो ऐसा स्वाद आएगा इमेजिन नहीं कर सकता है। उसके बाद में नमक डालना है, जो पेशेंट नहीं है वो रियली एंजॉय कर सकता है उसका मतलब स्वाद, स्पेशली स्मार्ट होने के लिए जो चाहता है कि मैं कार्ब्स ज़्यादा नहीं खाना है उसके लिए इट्स नंबर 1 डिलीशियस खिचड़ी है। और उसके बाद में मछली, मछली कितना भी खा सकता है लेकिन जो बिहार में और कुछ नॉर्थ में जो फ्राई करके जो करी बनाता है ऐसा नहीं, तेल में फ्राई नहीं होना है, इसको बेक करना है, उसको पोर्चुगीज फिश कहता है साउथ इंडिया में। दूसरा करी बनाना है, करी में भी मछली फ्राई करके करी में दही नहीं डालना है, करी को पूरा प्रिपरेशन करके करी खाने का लेवल रहे तो देन मछली को अंदर छोड़ देना, देन 10 मिनट में पक जाएगा एंड वो 100% आपका स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और मछली को फ्राई करना पोर्चुगीज स्टाइल, वो मछली को सारे मैरिनेट करना, क्या है हरा मिर्च हरा धनिया और अदरक एंड लहसुन, नमक नहीं डालना और उसी पेस्ट को लगा डाल करके उसको एक चम्मच पानी जो तवा में गर्म होने के बाद में उसमें डाल करके उसमें फ्राई करना और ऑटोमेटिकली आपका मतलब वेरी डिलीकेसी रहेगा। एंड उसके बाद में नमक 1 ग्राम का साशे मिलता है, सुबह 1 ग्राम दोपहर में 1 ग्राम शाम को 1 ग्राम ये करना है, आप अनइमेजिनेबल वे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, रिजल्ट्स आ जाएगा। चिकन भी बेकिंग कीजिए बिना तेल का, बहुत ही अच्छा रहेगा। मसाला कुछ भी डालिए, मसाला सारे चीज़ जो मेडिसिनल वैल्यू है, ओनली फ्राई करना तेल और नमक डालना वही जहर है। कभी कभी मटन या चिकन फिश को इतना तेल डाल करके बनाता है वो जहर हो जाता है। और कभी भी ठंडा लगे तो कॉफ रहे तो ड्राई कॉफ रहे तो फीवर रहे तो मसाला काढ़ा है मैं रेसिपी दिया है उसको बना करके चाय जैसे पीना है। उस मसाला काढ़ा में रहना है 1 अदरक और गुड़ और दालचीनी और लौंग और काला मिर्च और इलायची, उसे कूट करके उबाल करके पीना है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट आएगा। यही सुपर डाइट है, अत्युत्तम आहार है।